अब खबर शुरू की बिदासर से, जहां सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर जगह जगह नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बिदासर में आयोजित नुक्कड़ सभा को महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी और विधायक रफीक खान ने संबोधित किया। इस दौरान सभी नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ममता भूपेश ने तीनों उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। आज राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है और ये सरकार आपकी अपनी सरकार है। लोगों ने सोचा था कि कोरोना आ गया, अशोक गहलोत जी क्या करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे टैक्स का पैसा नहीं दे रही, हमारे हिस्से का विकास का पैसा नहीं दे रही। ऐसे समय में लोगों को लगा था कि क्या करेंगे अशोक गहलोत जी, लेकिन अशोक गहलोत जी साथियों वो जादूगर है, उनका नाम ही जादूगर है और सुजानगढ़ में उनका जादू जरूर से लहराएगा और भाई मनोज मेघवाल यहाँ से जीत कर जाएंगे, ये विश्वास आप लोगों को देख के हमको लगता है।